हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हूँ मैं अपने घर पर, और हम आए थे कल शाम को, घर पहुँचे थे अपने, और हमारे गिरिपार क्षेत्र में इस समय जो ये मंथ चल रहा है, इस समय मेलों की जो बौछार होती है, जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। तो अब लास्ट जो मंथ का जो लास्ट मेला है उसका आयोजन होता है हमारे लोकल मार्केट में, जिसका आयोजन हमारे गांव और आसपास के गांव के द्वारा किया जाता है। तो भैया आज के दिन मेहमान मुमान भी आते हैं बहुत, और मेरी दादी की तैयारियां देखिए कैसे चल रही है, प्याज पूछ छिल रहे हैं अभी, क्योंकि शाम को मेहमान मुमान आएंगे। आएंगे ना मेहमान? आने मेहमान आंदे कालो बनाए पनीर गुल्टी। अच्छा, तो भैया आज मेहमान मुमान आएंगे, सबके घर में आते हैं अक्सर मेलों में, तो मीट खाने वालों के लिए मीट बनता है, और जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए शाकाहारी आइटम बनती है। तो शाम के बच चुके हैं 4, सुबह से यही तैयारियां चली हुई है खाने पीने की, घास घूस लाने की, क्योंकि पशुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम चल रहे हैं मेले की तरफ, अब तैयार तूर हो चुके हैं और मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, अभी चाचू आ रहे हैं और उनके साथ चलेंगे हम मेले में। और दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं मेले का सुंदर सा व्यू, और आप भीड़ भी देख सकते हैं मेले के दौरान, काफी भीड़ है लोगों की यहां पर। और 3 साल COVID-19 के कारण 3 साल मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, और 3 साल के बाद ये 2022 में मेले का सुंदर सा आयोजन किया गया है, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बहुत सारी भीड़ है लोगों की। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेले का दृश्य अभी मैंने आपको दिखाया, और मेला बहुत ही धूमधाम तरीके से चल रहा है 2-3 साल बाद, और हम मेले में आ चुके हैं। और मेले में आज हमारे बीच मेरे बचपन के मित्र और बहुत बड़े गायकार ठाकुर प्रकाश सुनाई जी हमारे बीच मेले में हमें मिल चुके हैं, और मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि दो लाइनें आप हमारे लिए इस खास मौके पर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मोंटी भाई का धन्यवाद, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके चैनल को आप जरूर लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर करें, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोहित भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बचपन के यार है और सहपाठी भी है, साथ में मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं, तो आज काफी टाइम बाद दोस्तों इनसे मिलना हुआ। तो मैं तो मोंटी भाई के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई बहुत जिगरी यार है। तो दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जरूर जरूर, ये गाना सिर्फ अपने यार दोस्तों के लिए गाना चाहता हूँ। तो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। ये दोस्तों मेरे सभी यारों के लिए है, क्योंकि ये वाकई ही मेरे इनके साथ बहुत जिगरी यार है भाई, बहुत जिगरी यार। स्कूलिंग का टाइम तो सारा इनके साथ ही बीता हुआ है, और इन जितना हसमुख बंदा तो कोई है ही नहीं। हम तो खुद भी बहुत हसमुख है, लेकिन ये भी बिल्कुल। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। लव यू सो मच मेरे दोस्त। थैंक यू भाई। और देख सकते हैं दोस्तों ये वैसे गायकार जब गाते नहीं है दूसरों के लिए आसानी से, लेकिन बचपन के यार मित्र है, इसलिए 2-4 लाइनें गाए। थैंक यू बनता है दोस्तों। और अब हमारे बीच हमारे गांव के लोकल सिंगर आत्माराम जी 2 पंक्तियां गाएंगे। और दोस्तों अब हम मेले से थक के घूम के अब पीछे की तरफ आ गए, जहाँ पे लड़के बैठे हुए अपने ये नहान के हेलो गाइस लड़के
इन्होंने ड्यू की बोतल खोल के, बहुत ही उम्दा लड़के हैं ये, बहुत जबरदस्त। और ये है अपना स्कूल, आजकल थोड़ा इसको अभी मरम्मत करने में टाइम लगेगा, बर्बाद हो चुका है स्कूल जब से बर्बाद, जब से हम हमारी यहाँ से विदाई हुई तब से क्या बोलते हैं स्कूल ही बर्बाद हो गया, स्कूल बर्बाद हो चुका है। नहीं जाएंगे। और ये है सबसे महंगा लाला इस मार्केट का, और ये मेरे को हमेशा महंगा देता है, 100 रुपए जलेबी बोल रहा है, 400 रुपए किलो। कितने रुपए किलो जलेबी? और दोस्तों अब मेला लगभग हो चुका है खत्म, 2 दिन का मेले का जो आयोजन था वो हो चुका है समाप्त। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ होटल में, यहाँ से कुछ ना कुछ आइटम तो मुझे ले जानी पड़ेगी घर के लिए। ये देखिए जलेबियों की थैलियाँ पैक हो चुकी है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में लोग अक्सर घर खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, जलेबी पकौड़े कोई दूसरी मिठाई वगैरह, क्योंकि मेलों का आयोजन ही पहाड़ों में बहुत खास होता है, उसके अलावा तो बहुत कम चांसेस मिलते लोगों को, तो कुछ ना कुछ आइटम लेके जाएंगे घर के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वीडियो पर कीजिए कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।